पीड़िता की 7 माह पहले मृत्यु होना दर्शाकर जालसाजों ने पीड़िता की जमीन की वसीयत अपने नाम करा ली है। पीड़िता की शिकायत पर सीजेएम ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली उतरौला पुलिस को दिया है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली उतरौला पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमती नसीमा बानो निवासिनी मोहल्ला पटेल नगर कस्बा उतरौला ने सीजेएम के न्यायालय पर प्रार्थना पत्र धारा 156 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें 5 वर्ष की अवस्था में उनके पिता मोहम्मद नसीम की कैंसर से मृत्यु 29 दिसंबर 1985 को हो गई थी। इससे ऊपर पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए मोहम्मद तहसीम उर्फ तहसीन पुत्र नसीब अली व गुलाब मोहम्मद नियाज अहमद मोहम्मद रफीक पुत्र गण मोहम्मद यासीन ने साजिश करके उसके पिता को मारने की तारीख 29 मई 1985 दर्शा कर उसकी जमीन का वसीयत अपने नाम दर्ज करा लिया है। उसके पिता के मरने की तारीख 29 मई 1985 दर्शा कर उसकी जमीन का वसीयत अपने नाम दर्ज करा लिया है। इसका जानकारी उसके बालिग होने पर व जब बैंक से ऋण लेने के लिए खतौनी निकाली तब उसे संपूर्ण जानकारी हो पाई। तब उसने जालसाजी करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। उसके बाद एसपी बलरामपुर से शिकायत की, उस पर कार्यवाही न होने पर उसने न्यायालय सीजेएम पर शिकायत की। न्यायालय ने मामले की गंभीरता व पत्रावली पर उपलब्ध कागजात को देखने पर कोतवाली उतरौला पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली उतरौला पुलिस ने मोहम्मद तहसीन, गुलाम मोहम्मद, नियाज अहमद आदि सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में धोखाधड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा नाम नसीम बानो उर्फ मुनिया है। मैं मोहम्मद नसीम की लड़की हूँ। घर उतरौला पटेल नगर में है। मोहम्मद तहसीन मेरे चचा हैं और मेरे चचेरे भाई मोहम्मद रफीक, मोहम्मद नियाज अहमद, गुलाम अहमद, ये मेरे चचेरे भाई हैं। मैंने 21 तारीख को FIR दर्ज किया था, जिस पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे चचेरे भाई मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरी सुनवाई करो और मुझे इंसाफ दे। नाम नसीमा बानो उर्फ मुनिया, मैं नसीम की लड़की हूँ। मेरा घर पटेल नगर है और मेरे चचेरे भाई ने मेरा काले जमीन अपने नामे कर धोखे से कर लिया है। और मैं गई जब मांगने के उनकी मुझे हिस्सा दे दो, तो वो लोग गाली गलौज बकने लगे और कहने लगे तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है। जब मैं कोर्ट में गई, वहाँ पे हम मुकदमा दायर किए, सब कुछ दायर हो गया। फिर उसके बाद में हमने कोतवाली पे FIR किया, तो वहाँ पुलिस प्रशासन वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से मेरी अपील है कि मेरी सुने और मेरी सुनवाई करे, और मुझे खून मिलाकर धमकी देते हैं कि तुम लोग को जान से मार दूंगा। अब जब मैं पुलिस से बताई तो पुलिस लोग कोई गौर नहीं कर रहे हैं। आप लोग काले हमारी मदद कीजिए, अब मेरी जान की खतरा है। अब पुलिस प्रशासन मेरा कोई काले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और जितना है जो धोखा प्रशासन से मुझे अपील है कि मुझे इंसाफ दिला। और जितने मुजरिम हैं सब खुले घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और ना हाजिर हो रहे हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा काले सुनवाई की जाए। अब्दुल रशीद के साथ में हुई और हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी उठा रहे हैं। हम बहुत से पैसे भी कर्जा हो गए हैं। अब बताइए हम क्या करें, हमको परेशान बहुत कर रहे हैं सब लोग और गाली गलौज दे रहे हैं। यहाँ तक बलरामपुर तक घेरते हैं मुझे मारने के लिए, मगर हम कमज़ोर आदमी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब मैंने कानून का सहारा लिया तो कानून भी मेरी मदद नहीं कर रहा। बस R9 भारत के लिए जान मोहम्मद की रिपोर्ट, बलरामपुर। महंगाई डायन खाए जात है, संगीत को लगभग सभी ने सुना ही होगा। दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली महंगाई से नाराज किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशन पर शारदा नहर मकसूदपुर पुल पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शाहजहांपुर जनपद के ब्लॉक बंडा में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ शारदा नहर मकसूदपुर पुल पर डीजल पेट्रोल गैस
सिलेंडर आदि पर जोरों से बढ़ रही महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली चारपहिया वाहन मोटरसाइकिलें खड़ी कर हाथ में महंगाई के खिलाफ लिखे स्लोगन को पकड़कर पेट्रोल डीजल व गैस सिलेंडर पर जमकर नारेबाजी। किसानों ने राज बदल दो ताज बदल दो महंगाई कम करो ये तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर महासचिव झरमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष करनाल सिंह आदि सभी उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, आज धरना प्रदर्शन है, किस मसले पे धरना प्रदर्शन? ये डीजल पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था कि रोड के पास में खड़े होकर हम लोगों ने ये बताया है कि हम लोग कितने परेशान हैं कि ना गैस भरवा पा रहे हैं ना गाड़ी चला पा रहे हैं, इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन था। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, हक लेना अगर बगावत है, भारतीय किसान यूनियन। R9 भारत के लिए रोहित शुक्ला की रिपोर्ट, पुमाया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से। आपको बता दें, भाजपा नेताओं की दबंगई सामने आई है। भाजपा नेताओं के निर्दलीय महिला प्रत्याशी को नहीं भरने दिया पर्चा। महिला ब्लॉक प्रमुख का निर्दलीय प्रत्याशी का भरने आई थी पर्चा। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा नेताओं पर पर्चे की फाइल छीनने, धक्का मुक्की करने व छीना झपटी कर भागने का आरोप लगाया है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। महिला प्रत्याशी ने रो रो कर मीडिया को सुनाई भाजपा नेताओं की दबंगई। आपको बता दें, फरुखाबाद के बड़पुर ब्लॉक का मामला है। कुछ भी कर रहे हो एक बार करके ना इनके हस्बैंड एक एक बोलो।